जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर। और आज हम लोग जो है साइंस एग्जाम टॉनिक डेली 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के छठा दिन पे काम करेंगे। चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। तो आज का पहला नंबर सवाल है, हम लोग को ध्यान देंगे यहाँ पर, ठीक है। आज का पहला नंबर सवाल है हम लोग को यहाँ पर, ठीक है। टंगस्टन की निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? ऑप्शन दिया है ना, 2500 डिग्री सी, 3000 डिग्री सी, है ना, 3500 डिग्री सी और 4000 डिग्री सी। तो ध्यान रखना है जो है टंगस्टन 3500 डिग्री सी पर ये पिघल जाता है ना। वैसे 3480 के आसपास होता है ना इसका गलनांक, लेकिन अगर ऑप्शन देखें तो इस हिसाब से हम जो है ना 3500 डिग्री सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3500 डिग्री सी ये क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। तो अगला नंबर सवाल है हम लोगों को यहाँ पर, सवाल है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन की है ना, ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है ना। ऑप्शन नंबर ए है नाभिकीय संलयन, बी चंद्रमा, सी सूर्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम लोग को जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात ग, ठीक है। सूर्य, सूर्य जो है जीवाश्म ईंधन का वास्तविक ऊर्जा स्रोत होगा। वैसे सूर्य जो होता है ना ऊर्जा का मुख्य स्रोत ही है। आप लोग को पता होगा जीवाश्म ईंधन कैसे बनता है ना। लाखों करोड़ों साल जो है पृथ्वी के चट्टानों के नीचे दबे दबे है ना जीव जंतु जो है ना हाई प्रेशर, हाई है ना दाब और हाई टेम्परेचर की वजह से जो है वो जीवाश्म ईंधन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन नंबर सी मतलब ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, तो अगला नंबर सवाल हम लोग को यहाँ पर ध्यान देंगे। लिखा है कि समीकरण CaCO3, ठीक है, यहाँ पे एरो मार्क होगा CaCO3 है ना, जब उष्मा डालते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये कौन सा अभिक्रिया है, किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है दो या दो से अधिक अणु में। यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। तब जब कोई यौगिक दो या दो से अधिक अणु में टूटता है तो क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया, है ना। क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो रहा है, टूट रहा है और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। इसलिए क्या कहलाएगा, ये वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक। तो चलते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। तो अगला नंबर सवाल हम लोग को यहाँ पर ध्यान देंगे। लिखा है कि ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? ध्यान दीजिए ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो सबको पता होगा है ना, दो आबंध होते हैं, है ना। तब ये क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है, O2 बनता है ना। ऑक्सीजन अणु में दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो दो आबंध होते हैं, है ना, दो आबंध होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर है ना ख बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। तो अगला नंबर सवाल हम लोग को लास्ट सवाल है ना, क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? सबको पता है क्षारीय घोल का मान पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है, क्योंकि 7 से कम किसका होता है ना, अम्ल का होता है, और 7 से अधिक भस्म या क्षार का होता है। 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, मतलब ये कि उदासीन होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है ना 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, है ना। क्षारीय घोल का पीएच मान 7 से अधिक होगा, क्योंकि 7 से कम किसका होता है, तो अम्ल का होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आज भी 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हम लोग, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।